हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। आपको बहुत 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 सारी आपको मैं स्नैक्स जो रेसिपी लेके आई हूँ आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो चलिए आज हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, हम नमक पारा जो बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप मैदा। उसी के साथ अब मैं मिला रही हूँ अजवाइन और नमक। तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं तेल, ठीक है। तो तेल आप देख के पा रहे होंगे कि जो मैंने बड़ी मेज़रिंग कप से मैदा लिया था उसी के छोटे वाले मेज़रिंग कप से मैंने यहाँ पे तेल लिया है। तो इसको आपको अभी बहुत ही अच्छे से आपको इसको गूंथते रहना है और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जो नमक पारे जो बनता है ना वो बहुत ही क्रिस्पी होता है और बहुत ही अच्छी एक स्नैक्स होती है और बहुत ही जल्द में जल्दी से बनने वाली होती है। बट उसमें भी एक ट्रिक ये चीज़ है कि इसका आटा बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। ओके, जो आप ये जो डो बनाने वाले हो वो आप बहुत ही अच्छे से लगाओ। तो आप देखिए कि इसको कितने अच्छे से जो इसकी वो लड्डू बनेंगे, तो इसका मतलब जो वो मोहन जो हमने दिया है वो एकदम से परफेक्ट है। और इसमें इसको मतलब क्या बोलते हैं ना, आपको बैचेस में बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में भी इसको बना सकते हो, बहुत ही अच्छी बनती है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे डाला है गरम पानी। ओके, जितना कि आपका फिंगर डूब सके उतना ही गरम होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे डाला है। तो अभी आप देखिए मैं इसको कितने अच्छे से इसको मैं गूंथ रही हूँ ताकि हमारा जो वो डो जो बने वो एकदम से अच्छा बने और हमारे जो नमक पारे वो बने वो बहुत ही क्रिस्पी बने। इसको यहाँ पे आप आटे के साथ भी आप बना सकते हो, इट्स टोटली पर्सनली योर चॉइस। बट मैंने यहाँ पे क्योंकि त्योहारों का टाइम है और उसमें अगर हम तो थोड़ा सा हेल्दी अनहेल्दी देखेंगे ना तो हमारी फेस्टिवल का वो मज़ा ही नहीं रहेगा। तो जो चलता आया है उस चीज़ को थोड़े दिन करते हैं, उसके बाद तो फिर तो है ना हमारा वर्कआउट करने के लिए। तो इसी लिए जो जैसा त्यौहार आता है उसको हमको उसी तरह मज़ा लेना चाहिए ताकि हम उस चीज़ का वो अच्छे से मज़ा ले पाएँ। तो बातों बातों में आप देखिए मेरे आटे भी अब गूंथ चुके हैं अच्छे से। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बहुत मेहनत लगती है भाई उसको आटा गूंथने में, बट रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से आप जो डो है ना उसको अच्छे से आप गूंथते रहिए। गूंथते गूंथते आप देखेंगे कि जो वो ये होगा ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं मीडियम साइज़ के बॉल बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 जो वो डो बनाया था उसका मैंने 3 पार्ट किया, उसके तीनों बॉल्स बनाए। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको अच्छे से अभी एक ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला मैं इसको बेलूँगी। इसको जितना हो सके आप थोड़ा मोटा भी मत कीजिएगा, पतला भी मत कीजिएगा। तो आप गोल गोल करके घुमा घुमा के बेलते जाइए। अगर साइड्स में क्रैक्स रहते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब हम नाइफ़ की मदद से अब हम इसको अच्छे से एक कट देंगे। ओके, तो कट देना है आपको। कट करते करते जो आप के ऊपर है, आप अगर बर्फ़ी साइज़ में देना चाहते हो या फिर आप जस्ट जैसे कि मैं पतले पतले स्ट्रिप्स दे रही हूँ आप वैसे भी दे सकते हो। तो मैंने पहले पतला पतला स्ट्रिप्स दिया है, उसको अब मैं क्या करूँगी, करीबन 3 आप फिट छोड़ के आप उसको जस्ट कट दीजिए। ओके, आप इसको चाहो तो और भी थोड़ा सा लंबा रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट एग्जैक्टली मेथड यही रहने वाला है। तो अब आप देखिए कि अब जितने भी सब स्ट्रिप्स हैं ना, मैं उसको देखिए कैसे अब जो प्लेट्स में अब मैं डालती जाऊँगी। तो हमको सब इसको अच्छे से कलेक्ट करना है और विद द हेल्प ऑफ दिस नाइफ आप इसको सबको कर दीजिए। करने के बाद आप क्या कीजिए, अब इसको तेल में अच्छे से डाल दीजिए ताकि वो अच्छा सा एक फ्राई दे। तो फ्राई करते पहले आपको हाई फ्लेम पे रखना है, उसके बाद थोड़े से जस्ट विद इन ऑफ सेकेंड्स फिर आपको स्लो फ्लेम पे इसको डालना है ताकि जो वो
हमारे जो नमक पारे जो हम बना रहे हैं वो अंदर तक पूरी तरह सीख जाए, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही गोल्डन रहे पर अंदर से वो कच्चा रहेगा। तो अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं थोड़ी बहुत इसको चला रही हूँ ताकि वो अच्छे से चलती रहे। आप इसको बहुत ही अच्छे से एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और एज ए स्नैक्स और एज ए टी टाइम आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। सो लुक एट द कलर, अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि इसने आस्ते आस्ते अपना कलर चेंज कर दिया है और बहुत ही अच्छा सा इसका एक कलर आया है। तो देखिए अब हमारी जो नमक पारे है वो बन के तैयार है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। सो देखिए लुक एट द कलर, कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितना अच्छा लग रहा है ये। आप इसको टी एज ए स्नैक्स भी बहुत इन्जॉय कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।